मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई में एक अभिनेत्री के घर पर एनआईए की रेड की जानकारी मिल रही है। सबसे बड़ी खबर मुंबई से इस वक्त की मिलती हुई, एक अभिनेत्री के घर पर एनआईए ने छापा मारा है, लगातार रेड जारी, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। तो मुंबई में एक अभिनेत्री के घर पर छापे मारे की जानकारी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मुंबई से सामने आ रही है। तो आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार इस वक्त का अपडेट हम आपसे साझा कर रहे हैं, मुंबई से इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट मिल रहा है, एनआईए की छापेमारी की जानकारी, एक अभिनेत्री के घर पर यह छापा पड़ा है, यह इस वक्त का सबसे बड़ा ब्रेकिंग इनपुट। आपको बता दें, लगातार एक तरफ जिस तरीके से ड्रग्स केस में तमाम लोगों के नाम सामने आए, लगातार कार्रवाई एनसीबी की जारी है और एनसीबी की रेड की जानकारी इस वक्त मिल रही है। एनसीबी ने इस रेड को कंडक्ट किया है और एनसीबी की टीम पहुंची है घर पर इस फिल्म एक्ट्रेस के। मुंबई में एक अभिनेत्री के घर पर एनसीबी की रेड की जानकारी मिल रही है। और आर्यन खान, देखिए, इससे पहले आर्यन खान को कोर्ट में पेश होना है 26 अक्टूबर मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी के लिए एक तरफ पेश होना है आर्यन खान को, उनके जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। दूसरी तरफ इस वक्त का सबसे बड़ा इनपुट मिल रहा है, एनसीबी ने एक रेड को किया है मुंबई में, जहां पर एक एक्ट्रेस के घर पर यह रेड मारी गई है। लगातार एनसीबी की ताबड़तोड़ रेड, जब से पूरा ड्रग्स केस सामने आया है, रेव पार्टी में ड्रग्स केस का खुलासा हुआ है, इस पूरे नेक्सस का खुलासा हुआ है, इसमें ताबड़तोड़ कार्रवाई एनसीबी की अलग अलग टीम्स की मुंबई के अलग अलग इलाकों में जारी है। और उसी फेरिस में इस वक्त का सबसे बड़ा ब्रेकिंग इनपुट, मुंबई में एनसीबी की रेड की जानकारी, एक अभिनेत्री के घर पर यह रेड जो है मारी गई है। और आपको बता दें, व्हाट्सएप चैट में यह जिक्र था जिसमें आर्यन खान ने एक बॉलीवुड की उभरती हुई अभिनेत्री के साथ उनके व्हाट्सएप चैट को लेकर भी तमाम तरह के स्पेकुलेशन सामने आ रहे थे। जैसे हमारे संवाददाता जुड़ेंगे उनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या ये वही उभरती हुई अभिनेत्री उनके घर पर एनसीबी ने रेड मारी, क्योंकि जिस तरीके से तमाम तरह के बचाव पक्ष की दलीलें कल पेश की गई, उसके बावजूद जो है एनडीपीएस की कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका आर्यन खान की, अरबाज मर्चन की, मुनमुन धमेचा की। अब 26 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई है। एक बड़ा नेक्सस है इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तमाम कनेक्शन सामने आ रहे हैं, व्हाट्सएप चैट से जो तमाम संवाद, तमाम लिंक सामने आ रहे हैं, और उसी चैट में इस अभिनेत्री का जिक्र था। देखिए, जिस तरीके से व्हाट्सएप चैट सामने आई, उसमें इस बात का जिक्र है कि आर्यन खान का चैट एक बॉलीवुड की उभरती हुई अदाकारा, उभरती हुई अभिनेत्री के साथ सामने आया। तो क्या ये वही अभिनेत्री है जिसके घर पर एनसीबी की रेड जारी है, एनसीबी की छापेमारी मुंबई में एक अभिनेत्री के घर पर इस वक्त जारी है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट। सूत्रों के हवाले से इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट जी न्यूज आपसे साझा कर रहा है, अनन्या पांडे वो उभरती हुई अभिनेत्री बॉलीवुड की, जिनके घर पर एनसीबी की टीम पहुंची रेड मारने के लिए। और ब्रेकिंग इनपुट अंकुर त्यागी से लेते हैं। अंकुर त्यागी, ओवर टू यू, क्या अपडेट मिल रहा है इस वक्त का? देखिए, लगातार जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस की बात एनसीबी करती आ रही है, और जो चैट्स आर्यन खान के मोबाइल में से निकले हैं, उनमें से जिन जिन का नाम सामने आ रहा है, वहां पर अब वो तमाम जो किरदार हैं वो एनसीबी के रडार पे हैं, उनके अंडर लेंस पे हैं। अभी फिलहाल पाली हिल करके एक एरिया है बैंड्रा में, वहां पर एक अभिनेत्री है, वहां पर फिलहाल एनसीबी की टीम मौजूद है। अंकुर की आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही, अंकुर त्यागी हम तुरंत लौटेंगे आपके पास। देखिए, आर्यन खान के साथ बॉलीवुड की जिस उभरती हुई अभिनेत्री का व्हाट्सएप चैट एनसीबी को मिला, ये वही अभिनेत्री है। अंकुर त्यागी, क्या ये वही अभिनेत्री जिसके साथ व्हाट्सएप चैट आर्यन खान का एनसीबी को हासिल हुआ था, और उसी उभरती हुई अभिनेत्री के घर पर छापेमारी एनसीबी की जारी? निधि, यहाँ पर दो अलग अलग किरदार हैं, एक जो चैट वाली बात आप कर रही हैं, चैट वाली अभिनेत्री दूसरी है, वो न्यू कमर है, वो अभी फिलहाल आई नहीं है फिल्मों में, लेकिन हाँ जल्दी ही वो लॉन्च होने वाली है। वो चैट जो दिया जा चुका है कोर्ट में एनसीबी के जरिए, उनके साथ चैट्स में ड्रग्स की बात है, वो अभी रडार पे हैं, अंडर लेंस हैं। जो दूसरी अभिनेत्री की बात कर रही है, जहां पर इस वक्त एनसीबी की टीम वहां पर मौजूद है, वो दूसरी है, वो ऑलरेडी एक दो फिल्मों में आ चुकी है, और फिलहाल एनसीबी की टीम पाली हिल का इलाका है पेंडा में, वहां पर उनके घर पर मौजूद है। अंकोर्ट, एनडीपीएस कोर्ट के सामने जो दस्तावेजों के नाम पर, जो डिजिटल एविडेंस के नाम पर जो तमाम साक्ष्य पेश किए गए, उसमें इस व्हाट्सएप चैट का जिक्र था, जिस अदाकारा के नाम का जिक्र है उस व्हाट्सएप चैट में, वो अदाकारा दूसरी आप बता रहे हैं,
जो बॉलीवुड में अभी लॉन्च नहीं हुई है और ये दूसरी अभिनेत्री है जो कई मूवीज में आ चुकी है, अंकुर त्यागी। जी जी बिल्कुल निधि, ये बिल्कुल इसी प्रकार से है जो अभी फिलहाल जहां पर एनसीपी की टीम पाली हिल इलाके में है वो मौजूद है कि दूसरी अभिनेत्री हैं इनका इनका फिलहाल ये ऑलरेडी एक दो फिल्मों में आ चुकी हैं। जो बात चैट्स में से निकल कर आ रही है वो अभिनेत्री दूसरी हैं, वो फिलहाल न्यू कवर हैं और अभी उनका फिलहाल वो भी एनसीपी के रडार पर ही मौजूद है। बड़ी जानकारी इस वक्त की व्हाट्सएप चैट में अभिनेत्री का नाम सामने आया, सूत्रों के वाले से इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी सर्च ऑपरेशन एनसीबी की टीम का अभिनेत्री अनन्या पांडे। देखिए सूत्रों के हवाले से जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं, ये सूत्रों के हवाले से इस वक्त का ब्रेकिंग इनपुट है जो इस वक्त आपके सामने है। एनसीबी की टीम का सर्च ऑपरेशन इस अभिनेत्री के घर पर जारी लगातार, और अंकुर त्यागी मेरे साथ मुंबई से रिपोर्ट कर रहे हैं। अंकुर, एनसीबी की टीम में कितने लोग हैं जो इस वक्त इस अदाकारा इस अभिनेत्री के घर पर पहुंचे हैं, सर्च ऑपरेशन जारी है लगातार, कितनी देर पहले सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, कब पहुंची एनसीबी की टीम इस अभिनेत्री के घर पर? देखिए सुबह का जो था मतलब एग्जैक्ट टाइम तो फिलहाल एनसीपी डिस्क्लोज नहीं कर रही है, लेकिन यकीन तौर पर उसके अंदर महिला जो कर्मी भी मौजूद हैं क्योंकि ये अभिनेत्री हैं और ये अपने आप में प्रोटोकॉल है, तो जो मेल ऑफिसर्स हैं उसके अलावा फीमेल ऑफिसर्स भी इस टीम का हिस्सा है। और अब से तकरीबन ऐसा माना जा रहा है दो घंटे तीन की बात यह है जब एनसीबी की टीम इस इलाके में पहुंची थी और वहां पर अपना सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अभी तक उसमें से क्या क्या निकला है, किस तरह के एविडेंस निकले हैं, क्या ये रेड है या सर्च है, ये फिलहाल एनसीबी अभी फिलहाल कंफर्म नहीं कर रही है। बहुत शुरुआती स्टेज अभी तक इस पूरे ऑपरेशन की है फिलहाल। अच्छा, इसके अंदर भी दो चीजें निकल कर आती है कि एनसीबी कुछ ऐसे सर्चेस करती है जहां पर उनको उम्मीद होती है, जहां पर उनको टिप मिलती है कि यहां पर उनको ड्रग्स मिल सकता है, जो भी कनेक्शन के थ्रू जानकारी निकल कर आती है कई बार, जो उनको अभी तक पूरा केस चल रहा है उसमें उस आदमी का इन्वॉल्वमेंट क्या है और उससे जुड़े हुए सबूतों को सर्च करने के लिए भी एनसीबी की टीम जाती है। तो फिलहाल ये किस तरीके का सर्च है ये भी थोड़ी देर के बाद खुलासा होगा जैसे जैसे वक्त आगे बीतेगा, लेकिन यकीनन तौर पर बैंड्रा के पाली हिल इलाके में एक अभिनेत्री है जो ऑलरेडी फिल्मों में आ चुकी है और अब फिलहाल एनसीबी की टीम उनके घर पर मौजूद है। बिल्कुल अंकुर, ये टिप ऑफ मिला एनसीबी को और उसी के आधार पर ये पूरी कार्रवाई एक सर्च ऑपरेशन के तौर पर शुरू हो चुकी है। जो दर्शक इस वक्त जी न्यूज के साथ जुड़ रहे हैं, मैं चाहूंगी अंकुर त्यागी, चूंकि आप मुंबई से लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं, एक व्हाट्सएप चैट आर्यन खान के सामने आती जिसमें एक उभरती हुई अदाकारा के नाम का जिक्र है और उसको एक प्रमाण के तौर पर एनसीबी ने माना, एक डिजिटल एविडेंस के तौर पर, वो अलग और ये अभिनेत्री अलग है जिनके घर पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है एनसीबी की टीम का। मैं चाहूंगी आप इनको डिफरेंशिएट करें और बेहतर तरीके से समझाएं क्योंकि कंफ्यूजन कहीं ना कहीं सामने आ सकता है। दो अभिनेत्रियां क्या, अनन्या पांडा अनन्या पांडे जिनके नाम का जिक्र हो रहा है उनका नाम भी कहीं ना कहीं उनको लेकर भी कोई एविडेंस सामने आया था, यही वजह है कि एनसीबी की सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी उनके घर पर। अंकुर त्यागी, देखिए सिर्फ एक अभिनेत्री का नाम नहीं है, अगर एनसीबी के आप सोर्सेस से बात करेंगे तो बहुत सारे लोग इस लिस्ट में शामिल हैं जो उस केस के बाद जिनका किरदार निकल के आया है कि चाहे अरबाज मर्चेंट हो और चाहे फिर वो आर्यन खान हो, इनके मोबाइल फोन्स को फिलहाल सर्च किया गया था और उसके बाद ये चीज निकल कर आई है। एक बात और अभी इसके अंदर निकल के आ रही है कि जो अनन्या पांडे को शायद संबंध कर सकती है उनको बुलाया जा सकता है एनसीबी ऑफिस में, वहां पर उनसे पूछताछ हो सकती है। सर्च ऑपरेशन में क्या निकला है अभी तक ये चीज क्लियर नहीं हुई है। एक और अभिनेत्री है जो अभी न्यू कवर है और उनका फिलहाल जो चैट्स है उसमें भी नाम उनका सामने आया था जिसमें ड्रग्स को लेकर सारी बातचीत हो रही है और वो जो चैट है वो एनडीपीएस कोर्ट जो स्पेशल कोर्ट है वहां पर जज के सामने रखा भी गया था और उसके बाद ही पूरा का पूरा इस बेल एप्लीकेशन पे फैसला भी आया है जो कि काफी नेगेटिव रहा है आर्यन खान और बाकी लोगों के लिए। अब यहां पर एनसीबी की कार्रवाई बहुत ज्यादा तेज हो गई है और आप देख रही हैं जो हमारे जो सोर्सेज हैं एनसीबी में वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि एनसीबी ने अनन्या पांडे को अपना एक उनको सम्मन इशू करने वाली है और उनको एनसीबी दफ्तर बुलाकर उनसे पूछताछ की जा सकती है। यानी कि बहुत ही जल्द जो सूत्रों के वाले से खबर आ रही है अंकुर त्यागी जो उस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं इस पूरे ड्रग्स केस में, इस पूरे नेक्सस में, जिसमें कि बहुत जल्दी समन किया जा सकता है अनन्या पांडे को और उनको पेश होने का आदेश जारी हो सकता है। इस खबर पर और ब्रेकिंग इनपुट लेते हैं, राकेश त्रिवेदी मेरे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से। राकेश, जिस तरीके से इनपुट मिल रहा है कि एनसीबी की टीम सर्च ऑपरेशन के लिए सूत्रों के हवाले से पहुंची है अनन्या पांडे बॉलीवुड एक्ट्रेस के घर पर और यह सर्च ऑपरेशन जारी है, कहीं ना कहीं अहम टिप ऑफ था उसके आधार पर यह सर्च ऑपरेशन जारी। राकेश त्रिवेदी,
राकेश आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? राकेश के पास मैं तुरंत लौटूंगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने, व्हाट्सएप की चैट में खुलासा, बॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम और उसके आधार पर जिस तरीके से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट कि बॉलीवुड एक्ट्रेस के घर पर एनसीबी की टीम इस वक्त सर्च ऑपरेशन कर रही है और अंकुर त्यागी मुंबई से रिपोर्ट करने लगातार उन्होंने इस बड़ी बात का जिक्र किया। अंकुर के पास मैं आऊं उससे पहले राकेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? राकेश, अंकुर त्यागी आपने इस बड़ी बात का जिक्र किया है कि देखिए टिप ऑफ था और उसी आधार पर यह कार्रवाई शुरू हो चुकी है और वो दिन दूर नहीं जब बहुत जल्द समन किया जा सकता है और एनसीबी के सामने पेश होने का आदेश अनन्या पांडे को जारी हो सकता है। सर्च ऑपरेशन जारी इस वक्त। लेकिन नहीं, यहाँ पर कुछ तस्वीरें भी हमारे सामने आ रही हैं, वो लगातार जो एनसीपी की जो टीम है उसको लेकर भी सामने आ रही है। तो एनसीपी की टीम जब घर पर पहुंची है, ये तस्वीरें आपके सामने लाइव सीधे मुंबई से बॉलीवुड एक्टर्स के घर पर एनसीपी की टीम सर्च ऑपरेशन के लिए पहुंची है। उनको टिप ऑफ मिला था और निश्चित तौर पर उसी के आधार पर ये जो पूरा प्रोसीडिंग्स है एनसीपी की सर्च ऑपरेशन के तौर पर इस वक्त जारी है। हम लगातार आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ आगे अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही हो, जल्द पेश होने का आदेश अनन्या पांडे को जारी हो सकता है। जी, ये बिल्कुल देखिए भाई, जो चीजें निकल के आ रही हैं, कुछ और तस्वीरें भी निकल के आई हैं जिसके अंदर एनसीपी के जो अधिकारी हैं वो साफ तौर पे देखे जा सकते हैं। उनको फिलहाल जो है उनके हाथ में आप जो तस्वीरें हैं वो 2 बजे हाजिर होने के लिए कहा गया है। ये एक खबर निकल कर आ रही है, आज दोपहर 2 बजे अनन्या पांडे जो हैं उनको एनसीपी के ऑफिस में आने के लिए कहा गया है। ये बात अब जो चीज है निकल के आ रही है। बिल्कुल अंकुर, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आप साझा करें। देखिए अंकुर ने बताया कि 12:49 हो चुके हैं और दोपहर 2 बजे अनन्या पांडे बॉलीवुड एक्टर चंकी पांडे की डॉटर है, इनको 2 बजे पेश होने का आदेश है। अंकुर आप यही बता रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी। एनसीबी की टीम की लाइव तस्वीरें इस वक्त जी न्यूज पर आप देख पा रहे हैं। चंकी पांडे का घर, अनन्या पांडे के घर पर इस वक्त टीम पहुंची एनसीबी की। देखिए मैं लगातार इससे पहले भी मैंने ये वाली बात आपको बताई है कि 2 तरह का सर्चेस होते हैं। एक जगह जहां पर टिप मिलती है कि एक पर्टिकुलर जगह पर कोई ड्रग्स है या कोई कंज्यूम करने वाला शख्स है जिसके पास ड्रग्स मिल सकती है, एक वो होता है। दूसरा होता है जब आपको लगातार इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस मिलते हैं या पूछताछ इंटरोगेशन में चीजें निकल कर आती हैं तो उसमें जो नाम निकल के आते हैं कई बार आप सबूत इकट्ठा करने के लिए, एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए भी इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर जो चीज निकल के आ रही है वो है जो फिलहाल जो चीज निकल के आई है, 2 बजे एनसीबी के ऑफिस में पेश होने के लिए सम्मन किया है एनसीबी ने अनन्या पांडे। तो एक्ट्रेस अनन्या पांडे के घर पर एनसीबी की टीम पहुंची है, वहां पर ये पूरा सर्च ऑपरेशन जारी है। इस वक्त की 2 बड़ी तस्वीरें, एक तरफ शाहरुख खान अपने बेटे से मिलने के लिए सुबह पहुंच रहे हैं और तोड़ जेल 15 मिनट की मुलाकात होती है। दूसरी बड़ी खबर इस वक्त की एनसीबी का जो ऑपरेशन लगातार जिस तरीके से पूरे ड्रग्स केस में तमाम तरह के खुलासे हो रहे, तमाम तरह के ड्रग्स के चैट सामने आ रहे हैं, कई सारे संवाद कोड वर्ड्स में सामने आ रहे हैं और उसी के आधार पर एक टिप ऑफ मिला, एक जानकारी मिली और अनन्या पांडे बॉलीवुड एक्टर चंकी पांडे की डॉटर है, बॉलीवुड की अभिनेत्री है, उनके घर पर सर्च ऑपरेशन के लिए एनसीबी की टीम पहुंची। लाइव विजुअल्स आपके सामने एनसीबी के सर्च ऑपरेशन के, सीधे अनन्या पांडे के घर से लाइव। अंकुर त्यागी, ओवर टू यू। देखिए जो लगातार जो चीजें निकल के आ रही हैं वो यही है कि ये लगातार पेपर वर्क है वो फिलहाल किया जा रहा था और अभी तक फिलहाल जो कुछ खबरें इस तरह की भी आई थी कि मन्नत को लेकर वहां पर भी रेड हो रही है और या वहां पे भी सर्वे किया जा रहा है, फिलहाल इस तरह के कोई चीज निकल के नहीं आई है। लेकिन
जो फिलहाल जो चीज कंफर्म हो रही है वो ये है कि एनसीबी ने अनन्या पांडे को नोटिस सर्व किया है और नोटिस सर्व करके ये समन सर्व किया है और उसको 2 बजे एनसीबी के ऑफिस में आने के लिए साफ तौर पर कह दिया गया है। अब यहां से ये पूरा का पूरा जो नेक्सस है वो अब बड़ा होता जा रहा है। जो जिस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात हम लोग कर रहे थे, जिस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस की बात एनसीबी कर रही थी, कोर्ट में दिया गया था, जिन जिन के नाम अभी तक रडार पे आ रहे थे, अब एनसीबी ने अपनी कार्रवाई को तेज कर दिया है। ये हम तब देख रहे हैं जब जो आर्यन खान है उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। आने वाले ट्यूजडे को, मंगलवार को ये पूरा वापस से कार्रवाई शुरू होगी। इस पे एक लंबा वक्त है, इससे पहले एनसीबी अब अपनी कार्रवाई तेज कर रही है क्योंकि अब उसके पास वक्त है और वो वक्त जाया किए बिना अपनी तरफ से अपने सबूतों को इकट्ठा कर रही है। यहाँ पर एनसीबी की टीम सुबह पहुंची थी चंकी पांडे की जो बेटी है अनन्या पांडे उनके रेसिडेंस पर, वहां पर जाकर सर्च ऑपरेशन हुआ है और या इसे सर्वे कह सकते हैं और फिलहाल उनको समन देकर 2 बजे आज दोपहर में 2 बजे एनसीबी के दफ्तर में आने के लिए कहा गया है। अभी तकरीबन 1:15 और आप समझ लीजिए 1 बजने वाले हैं और उससे 1 घंटे के बाद अनन्या पांडे को एनसीबी के दफ्तर में आना होगा। बिल्कुल अंकुर त्यागी, कर दिया गया अंकुर, जिस तरीके से आर्यन की जमानत याचिका को खारिज करते हुए जज ने साफ कहा था कि ये बड़े नेटवर्क का दरअसल हिस्सा है और व्हाट्सएप चैट उसका गठजोड़ का इशारा करती है, उस गठजोड़ की एक अहम कड़ी ये बॉलीवुड एक्ट्रेस हो सकती है, यही वजह है, यही आधार हो सकता है कि ये पूरा सर्च ऑपरेशन जारी है लगातार और 2 बजे कोर्ट पे पेश होने का आदेश है। अनन्या पांडे को एनसीबी के सामने पेश होना होगा। जी देखिए यहां से आपको समझना होगा, फिलहाल एनसीबी जो कार्रवाई कर रही है वो इस बात पे कार्रवाई कर रही है कि किसका नाम जो अभी तक की इंटरोगेशन में निकल के आया या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस में निकल के आया, व्हाट्सएप चैट्स में निकल के आया और वो तमाम किरदार इस वक्त एनसीबी के रडार पर है, आपको इस बात को समझना होगा। दूसरा जैसे जैसे क्योंकि अभी एनसीबी जब ट्यूसडे में अपना रिप्लाई फाइल करना है उनको जमानत याचिका पर, आर्यन खान की जमानत याचिका है और जो बाकी आरोपी हैं इस मामले में उनकी जमानत याचिका पर, तो वहां पर उनको बताना होगा कि अभी तक की उनकी कार्रवाई में क्या क्या चीजें हुई हैं। तो यहां से आप एनसीबी अपने केस को और पुख्ता बनाने की यहां पर कोशिश कर रही है, वो अपनी तरफ से अपने आर्गुमेंट्स को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लीगल वे में जाकर अपना पक्ष बहुत ज्यादा मजबूत करना चाहती है और इसीलिए उन्होंने अपने अपने ऑपरेशंस को अब यहां से बढ़ा दिया है। अनन्या का नाम व्हाट्सएप चैट में निकल कर आया था, अब उनके खिलाफ फिलहाल उनको एक समन दे दिया गया है। 2 बजे वो एनसीपी के दफ्तर पहुंचेंगी और जैसे ही वो एनसीपी के दफ्तर पहुंचेंगी उसके बाद उनसे इंटरोगेशन होगा, इस पूरे मामले में उनका क्या लेना देना था, जहां जहां रेफरेंस पे उनका नाम सामने आया है, क्यों नाम सामने आया था, वो तमाम जो चैट्स होंगी वो उनके सामने रखी जाएंगी और उसके बाद एनसीपी अपनी कार्रवाई को आगे यहाँ पर बढ़ाती हुई नजर आ। बिल्कुल राकेश मेरे साथ है, राकेश जिस चैट से इंटरनेशनल लिंक्स का खुलासा हुआ, जिस चैट से ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्वमेंट के आरोप लगे, जिस चैट में बॉलीवुड अदाकारा के साथ बातचीत का जिक्र हुआ और नशीले पदार्थ के सेवन का जिक्र हुआ, उसी चैट के आधार पर जिस बॉलीवुड एक्ट्रेस का जिक्र हो रहा था, क्या ये वही अनन्या पांडे है राकेश त्रिवेदी? जी बिल्कुल, जो एनसीपी सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली है वो एनसीपी का ये कहना है कि जो दो अभिनेत्रियों के नाम सामने जो आए थे, अपकमिंग अभिनेत्रियां जिनसे हम बात कर रहे थे, उनमें से एक जो है वो नाम अनन्या पांडे का है और उनके साथ ही आर्यन खान की कोई व्हाट्सएप चैट थी, जिसके बिना पर जो है आज ये सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया और वहां पर कुछ सबूत या सुधागों की तलाश जो है वो एनसीबी ने की। अब एनसीबी ने अनन्या पांडे को 2 बजे के लिए समन जारी जो किया है उसके लिए उन्होंने अपने सवालों की एक लंबी फहरिस्त भी जो है वो तैयार कर ली है। लेकिन यहाँ पर आप इससे एक और पहलू है जो बहुत ही अहम पहलू, उसे भी आपको यहाँ समझना होगा कि इस पूछताछ से या इस इंटरोगेशन से मुश्किलें जो है वो आर्यन खान की भी और बढ़ सकती है। जब तो मंगलवार को इस मामले की सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट में होगी तब एनसीबी अपने जवाब में इस बात को भी, इस डेवलपमेंट को भी इंक्लूड कर सकती है कि कैसे उनकी जांच लगातार आगे बढ़ रही है, उसका दायरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस मामले में एक और अभिनेत्री जो है वो कहीं ना कहीं शक के घेरे में है और उसकी क्या भूमिका है उसको लेकर के वो खुलासा कर सकती है। अब तक अनन्या पांडे की इस पूरे मामले में क्या भूमिका है उसको लेकर के कोई खुलासा नहीं हुआ है, वो चैट क्या ड्रग्स के लेन देन को लेकर राकेश विस्तार से आपसे समझूंगा भी जानूंगा कि क्यों ये रेड चल रही होगी, लेकिन अभी ये बताइए कि कितने सदस्य ये टीम है जो अनन्या पांडे के घर पर है, कितनी देर पहले ये टीम गई थी,
और अभी वहां पर क्या शुरुआती जानकारी मिल रही है कि एनसीबी की टीम की सर्च क्यों हो रही है और क्या क्या मिला है? देखिए, मैं जो जानकारी मिली उसके मुताबिक 8 से 10 लोगों की जो टीम है एनसीबी की वो पहुंची थी अनन्या पांडे के घर पे सर्च कंडक्ट करने के लिए। खासतौर से जो व्हाट्सएप चैट मिलने के बाद जो पहला शक खड़ा हुआ था उसके बाद ये तलाशी ली जाती कि उनके घर से कोई ड्रग जो है वो बरामद किया जाता है नहीं किया जाता। हमने देखा इससे पहले चाहे अर्जुन रामपाल हो, अरमान कोहली हो, जब भी या शोविक चक्रवर्ती, विया चक्रवर्ती, इन सब मामलों में एनसीबी ने जब सर्च कंडक्ट किया है तो उनकी कोशिश यही रहती कि क्या उनके घर से कोई प्रोहिबिटेड सब्सटेंस जो है वो मिलता है या नहीं मिलता है। उनकी जो नजर होती है वो इसी तरीके किसी मेडिसिन या टैबलेट या प्रोहिबिटेड सब्सटेंस जो एनडीपीएस कानून के तहत प्रतिबंधित ड्रग्स हैं उन पर टिकी होती है कि क्या वो बरामदगी होती है या नहीं होती है। और इसके सिवाय जो है अनन्या पांडे को एक समन जो है वो भी इन हैंड डिलीवर किया जाएगा। अगर वो घर पर नहीं होंगी तो उनके दरवाजे पर जो है वो नोटिस चिपका दी जाती है। लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही सूत्रों से ये समन की जानकारी जो है अनन्या पांडे को कम्युनिकेट कर दी गई है और फिलहाल ये उम्मीद की जा रही कि आज दोपहर 2 बजे के आसपास अनन्या पांडे एनसीबी के दफ्तर पहुंचेंगी और अपना जवाब दाखिल कर सकती है। लेकिन वही दूसरी तरफ ये भी जानकारी सूत्रों से हमें मिल रही जो बॉलीवुड के जानकार है कि अनन्या पांडे और उनका जो परिवार है वो इस वक्त कानूनी सलाह ले रहा है और हो सकता है कि वो एक चिट्ठी लिख करके आ। राकेश, आपने बहुत बड़ी खबर दी है, बहुत बड़ी खबर। एनसीबी के दफ्तर जा सकती हैं अनन्या पांडे, एक्टर चंकी पांडे की बेटी है अनन्या पांडे और इससे पहले 2 फिल्मों में दिख चुकी हैं अनन्या पांडे। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में मुख्य भूमिका में थी टाइगर श्रॉफ के अपोजिट में। और बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें, 2:30 बजे हो सकता है एनसीबी के दफ्तर पहुंच जाए अनन्या पांडे भी और उनसे भी अब सवाल जवाब किए जाएंगे। राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, व्हाट्सएप चैट हालांकि सार्वजनिक नहीं की गई एनसीबी की तरफ से, लेकिन व्हाट्सएप चैट में आखिर ऐसा क्या है कि अब एनसीबी की टीम सर्च के लिए गई हुई है? देखिए, जिस तरीके से एनसीबी इस मामले को लेकर अलग अलग जगह छापेमारी शुरू की है उसमें जो नाम आया है वो जाहिर है कि उस नाम को चौंकाने वाला कहा जा सकता है, क्योंकि आर्यन खान के साथ जिन लोगों की बातचीत हुई है उस बातचीत में ये भी शामिल है। अब जिस तरीके से एनसीबी की टीम उनके घर पे पहुंची है, कुछ जांच चल रही है, जिस तरह उम्मीद की जा रही है कि अनन्या को भी यहाँ यानी उन्हें भी यहाँ लेकर आया जा सकता है। और जिस जो व्हाट्सएप चैट में जो जानकारियाँ मिली हैं अभी तक, जो पार्टी में ब्लास्ट करने की बात हो रही है या कई बार अलग अलग जगहों पर जो उनसे मुलाकात की बात हो रही है, ख़ास करके जो इस चैट में ऐसे एनसीबी को सबूत मिले हैं जिसको एनसीबी को संदेह है कि ये ड्रग से रिलेटेड चीज़ें हैं, यानी इसमें पार्टी में ड्रग और बाकी चीज़ें लेने की बात कही जा रही है, इस बात के लेकर पुख्ता जानकारी लेने चाहती है। और ये चाहती है एनसीबी का ये पूरी तरह से ये इस मामले को तहकीकात के दौरान ये सारे के सारे लोग यानी जो लोग इस मामले से जुड़े हुए हैं उनसे पूछताछ, उनके सर्च ऑपरेशन की बात शुरू हो गई है। और अब एनसीबी ने इस मामले में जिस तरीके से 26 तारीख को सुनवाई होनी है, लेकिन प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।